क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर्स. रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. तो सपोज ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है. लेंथ है इसकी 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. तो ये हो गया, मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है. तो 1872 सेंटीमीटर. सेम ऐसे ब्रेड 1320 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है. 1872 सेंटीमीटर और 1320 सेंटीमीटर, ठीक है. ये आपके पास लेंथ और ब्रेड है. क्वेश्चन में दिया है इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज. यहाँ पर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है. सोचो आप थोड़ा सा, तो कितनी हम स्क्वायर टाइल्स लगाए, यही पूछा है. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. ध्यान से सुनो, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. कम से कम स्क्वायर टाइल्स, कुछ गलत हो गया, कम से कम स्क्वायर टाइल्स हम लगाए. तो अगर आपको लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, इसका मतलब कम से कम टाइल्स का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा बड़ी टाइल जो आप स्क्वायर टाइल लोगे, कम से कम टाइल्स से आपको कवर करना है. इसका मतलब जो टाइल का डायमेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पर लीस्ट बोला है तो एलसीएम निकाल लेते हैं. लेकिन आप सोचो कि कम से कम टाइल्स लगानी है, इसका मतलब बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है, इसका मतलब उन टाइल्स का डायमेंशन बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब उस टाइल का लेंथ या साइड साइड बड़ी होनी चाहिए. स्क्वायर टाइल है तो उसकी साइड बड़ी होनी चाहिए. कितनी बड़ी होना चाहिए? एचसीएफ निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा. बड़ी से बड़ी निकालनी मीन्स एचसीएफ, ठीक है. तो एचसीएफ इन दोनों का निकाल लेते हैं. एचसीएफ ऑफ 1872 जल्दी से निकाल लें, कितना आ रहा है? HCF 1872 और 1320 का 2 9 2 3 2 6 2 6 2 6 2 4 2 6 2 8 2 2 3 3 2 से ज़्यादा वापस 2 1 2 2 6 2 5 और जा रहा है 3 से 3 7 21 3 8 24, ठीक है. अब ये दोनों किसी से नहीं जा रहे, मींस एचसीएफ आ गया 2 × 2 × 2 × 3 दैट इज 24. तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ टाइल आ गया, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल. इसका मतलब उसकी साइड आ गई, साइड आ गई स्क्वायर टाइल की, साइड मिल गई. समझ में आया? तो ये 24 सेंटीमीटर है और ये भी 24 सेंटीमीटर. अब ध्यान से सुना, जब भी आपको नंबर ऑफ कुछ पूछे, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ कुछ भी, तो बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा. बड़ा क्या है? यहाँ क्या है? कोर्ट यार्ड. और छोटा क्या है? स्क्वायर टाइल, ठीक है. तो नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है तो वो क्या होगा? बड़े का एरिया. बड़ा कैसा शेप है? रेक्टेंगल. एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपॉन छोटा. छोटा क्या है? टाइल. टाइल का एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर. बस अब इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है. इसको कैंसिल करेंगे, ये आपको मिलेगा 78 और ये आपको मिलेगा 55. कैसे पता चला? यहीं से पता चल रहा है सीधा सीधा. 24 को 1872 से किया, ठीक है. 24 ये है, 1872 से किया तो 78, और 1320 को 28 से डिवाइड करोगे तो 24 से डिवाइड करोगे तो 55. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. इसका आंसर मैंने निकाल के रखा हुआ है 4290. इतनी टाइल्स आपको टोटल लगानी है.